क्या रहा है? विक्रमादित्य ने क्या कहा है मैं ये भी बता दूं, मैंने सुनवाया है बात। हमने ऐसा सुचिता जी ऐसा कहां कहा कि वो सही करेंगे? नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है ये आप कह पा रहे हैं भाटी जी, क्योंकि आप है आपकी पार्टी के बहुत से प्रवक्ता ये कह भी नहीं पाएंगे, मैं ये भी बता दूं आपको। लेकिन समस्या ये है कि वो मोर्चा नहीं खोल रहे हैं शिवम, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन विक्रमादित्य ने क्या कहा, उन्होंने कहा यूपी मॉडल हम लागू कर रहे हैं, यूपी मॉडल। वो या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं सुचारिता जी कि कांग्रेस करे तो चमत्कार और हम करें तो मुसलमानों पर वार। यही बात जब योगी आदित्यनाथ जी ने कही तो सारे देश में हंगामा मच गया, सबने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, देश के 20% आबादी के खिलाफ नफरत है, उनका नाम लिखवा कर क्या साबित करना चाहते हैं। और विक्रमादित्य ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने कहा, हिमाचल की सरकार ने कहा, तो भाटी जी से ही विक्रमादित्य या कांग्रेस का एक बार नाम भी नहीं निकला, नाम भी नहीं ले पाए, उसको नाम को भी लेते हुए डरते रहे कि कहीं गठबंधन में दिक्कत ना आ जाए। आज वही से स्थिति जो है कांग्रेस ने हिमाचल में की, विक्रमादित्य जी ने कहा कि हम स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बना रहे हैं, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी में सिर्फ इतना सा है कि सबके नाम, सबका जो उनका जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनके सब कुछ है, उनके प्रॉपर डिटेल्स आएगी, उसके बाद हम एक आईडी बनाएंगे, वो आईडी वहां पर दुकान पर होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि खान पान में, चीजों में, रेडी पे, पटरी पर ये चीजें जो है बढ़ती जा रही है लगातार और लोगों की समस्या थी। यही बात योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कही थी। तो पूरे देश में कांवड़ के खिलाफ भी हंगामा, कांवड़ियों के खिलाफ भी हंगामा, हिंदुओं के खिलाफ भी हंगामा, और इसके अलावा बात करें तो धर्म के खिलाफ भी हंगामा, और ये कि मुसलमानों को ऐसे परेशान कर रहे हैं, वैसे परेशान कर रहे हैं। आज बोलिए ना भाई, यही काम कर रही है अब कांग्रेस, क्योंकि जो ग्राउंड पर है उसको रियलिटी पता है। अब राहुल गांधी को रियलिटी नहीं पता तो हम क्या करें। एक और चीज आप मुझे एक चीज बताइए, अभी पिछले दिनों रबूपुरा ग्रेटर नोएडा जो विधानसभा है, यहां पर एक बारात में जो है एक युवक पाया गया मुस्लिम नाम से, वो रोटियों में थूक लगा रहा था। होना हो भाटी जी भी उस शादी में गए हो। अरे माना हिंदू मुस्लिम एकता रखनी है तो उसके लिए किसी की थूक के बनी हुई रोटियां खा लोगे क्या? उससे तो कम से कम बच्चे तो थे उस शादी में, खाना खा रहे थे, मैंने देखा। आपने कहां से देखा? मैं तो भी आया था। कौन सी शादी की चर्चा हो रही है? अभी पिछले दिनों रबूपुरा में शादी थी। बहुत बढ़िया, अब उसको छोड़ दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, इंदिरापुरी में एक आमिर नाम का व्यक्ति है, या वो क्या कहते हैं इसका, लोनी में, ठीक है, वो व्यक्ति जो है जूस में पेशाब मिलाता हुआ पाया गया। जब उसको आके जाके लोगों ने पुलिस ने गिरफ्तार किया तो देखा तो उसने पूरे कैंपर भरे हुए थे पेशाब से। अब बताइए इनको इतना शौक है कि इस तरह की चीजों का? मैं कहता हूं इसमें भी कोई हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा आगड़ा नहीं है भाई। हाँ। वो जब वहां पर जो भी कोई व्यक्ति जाता है वो इस तरह के सामान, इस तरह की सामग्री अगर ग्रहण करता है वो गलत है। इसमें तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यही बात हमने कही थी और इसी बात को लेकर इस देश में हंगामा था। अब जिनको दिक्कत थी वो विक्रमादित्य और राहुल गांधी से जरूर सवाल पूछे कि अब ये हिमाचल में हो रहा है तो ये एकदम अच्छा कैसे हो गया। नहीं, पहले तो अजय वर्मा जी से ही सवाल पूछ लेते हैं कि भाई कैसे अच्छा हो गया एकदम से, जो यूपी में खराब है वो हिमाचल में अच्छा हो गया क्योंकि वहां पर कांग्रेस है, यहां तो योगी आदित्यनाथ है इसलिए बुरा ही होगा। अजय जी, सुचरिता जी, अभी आप भी झूठ बोल रही थी चैनल पर। विक्रमादित्य का बयान मैं चाहूंगा दोबारा सुनवा दें। अच्छा। उन्होंने इतना कहा था, उन्होंने कोई योगी मॉडल कहा नहीं, उन्होंने ना योगी का नाम मॉडल कहा है सर, ना उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने मॉडल कहा है सर, सुन अब पहली बात ये, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा ना अजय जी। अगर आप आते ही शुरुआत में कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे तो बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि इस मंच पर मैं झूठ सच की बातें दोबारा सुनवा दीजिए। नहीं, झूठ बोलने वाला मंच तो ये है ही नहीं, इस पर तो सच बोलते हैं और बोलना पड़ता है। तो तू पहले मेरा सुन लीजिए 30 सेकंड। तो आप झूठ मत बोलिए ना फिर, आप क्यों झूठ परोस रहे हैं अजय जी? नहीं नहीं, मेरा आप सुनेंगी तो जवाब मेरा झूठ हो तो मुझे एक्सपोज कर दीजिए, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। वो तो आप हो ही रहे हैं ये बोल करके, उन्होंने बोला नहीं। बोलिए बोलिए। नहीं 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 बोलिए, उन्होंने इतना कहा कर देते उत्तर प्रदेश, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो फूड एक्ट है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश की तरह हम भी, उत्तर मॉडल नहीं लिया, योगी का नाम नहीं लिया, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। और अगर आपने वो फूड एक्ट पढ़ा हो तो 2011 का फूड एक्ट है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन मेरे पास है, ये फूड एक्ट इसके कंडीशन है और इसके फूड एक्ट को सब पढ़ लीजिए। अजय जी, ये जो तस्वीर अभी चला रही हूँ ना, सुनिए, ये जो तस्वीर अभी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर भी आपके नेता ने डाली है, वो तस्वीर भी देखिए, योगी आदित्यनाथ उस तस्वीर में दिख रहे हैं, उस तस्वीर को जिसमें योगी आदित्यनाथ के आदेश के बारे में लिखा हुआ था, उस तस्वीर को पोस्ट कर को रीपोस्ट किया उन्होंने और फिर लिखा कि जय श्री राम,
यूपी वाला मॉडल अब लागू करेंगे यहाँ पर। अब मैं आपको जरा फिर से सुनवा देती हूँ क्या कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं, नहीं नहीं, आपने पहले झूठ सच का पैमाना खुद तय किया। सुन तो लीजिए जरा सा। अरे सुनाइए सुनाइए भाई, योगी कोई पाकिस्तान के हैं और जय श्री राम बोलना क्या गुनाह है? हमारे मंत्री बोलेंगे जय श्री राम, योगी हिंदुस्तान के हैं, भारत के नागरिक हैं, डिबेट तो गुनाह है क्या उनका पोर्टल लगाना? वो डिबेट नहीं है, कार्यक्रम के बीच डिबेट ये है। कांग्रेस वाले आपको ये जय श्री राम डिबेट ही नहीं है सर। अच्छा चलिए एक बार सुनवा देते हैं ना अजय जी को, पहले सुनवाते हैं क्या कहा योगी जी ने। अजय जी ये सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। अजय जी जिस तरह से यूपी में, उत्तर प्रदेश में लागू किया है, उसी को हम लागू यहां कर रहे हैं, ये बोला उन्होंने। सुन लिया जी, आपने? जी 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 बिल्कुल बोला उन्होंने। ना योगी मॉडल कहा, ना योगी साहब का नाम लिया। सर यूपी में किसकी सरकार है? प्रदेश में बात कर रहे हैं, यूपी में किसकी सरकार है अजय जी? देश में किसकी सरकार है? देश में किसकी सरकार है? अगर मैं ये कहने लगूं कि साहब नहीं, तो मेरे कहने से देश में तो सरकार योगी की है, मोदी बाबा की है, और यूपी में योगी की है, तो सरकार से कनेक्शन नहीं है। उसका प्रस्तुतीकरण जो आप कर रहे हैं वो केवल बांटने वाला काम है। मुश्किल हो गया आपके लिए डिफेंड करना। इस देश में अब मुश्किल हो गया आपके लिए। सोशल फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए और ये चुनाव जीतने के लिए ये लोग किसी स्तर भी जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सतपाल मलिक साहब गवर्नर ने कहा था पुलवामा के, उसमें वो तो गवर्नर थे, संवैधानिक पद पर थे। और ये शुभम जी वहां रघुपुरा के खाने में भी थे, और मैं तो कह रहा हूं ये हो सकता है जूस पीने लोनी भी चले गए हो। मैं ये कह रहा हूं कि उनको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा रहे लोगों को? ये इनके पास तो पद भी है, पावर भी है, ताकत भी है, पैसा भी है, सत्ता भी है, जज भी है, मुजरिम भी है, न्यायाधीश भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स है, तो फांसी पे क्यों नहीं लटका रहे? ठीक है अजय जी, जवाब दे दीजिए भाई मुझे। शिवम जवाब दीजिए, फिर प्रियंका जी के बाद अदानी जी के बाद। आमिर का नाम आमिर और शिवम का नाम शिवम लिख लेने भरते तो आपको इतना पागलपन हो गया था कि पता नहीं क्या क्या कहने लग गए थे। आज कह रहे हैं सीधा उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए। फांसी पर चढ़ा दिया तो पता नहीं क्या करने लग जाएंगे यूएनओ तक और कहां कहां पहुंच जाएंगे। और एक और चीज कहना चाहता हूं, वो जो कानून है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जिस 2011 की बात कर रहे हैं, उसमें चेंजेस किए जाएंगे। इस आधार पर चेंजेस किए जाएंगे कि आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में शिकायतें मिली हैं, उसके बाद स्थितियां ऐसी बनी हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। लोकल प्रशासन मिलकर और तमाम लोग मिलकर पुलिस के साथ, प्लीज बीच में मत बोलिए, इस बात को इंश्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मिलावट ना करे। सीसीटीवी वहां पर भी होना चाहिए जहां पर कस्टमर बैठते हैं, खाना खाने वाले बैठते हैं, और जहां पर बनता है वहां पर भी होना चाहिए। उनका नाम होना चाहिए, उनके मैनेजर का नाम होना चाहिए, सबकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यही कह रहे हैं अब अजय वर्मा जी, कह रहे हैं कि ये तो चुनाव जीतने के लिए हो रहा है। इसका मतलब विक्रमादित्य भी चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। भाई जमीन से कट गए हैं आप। ये विषय सिर्फ इतना सा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई खाना बना रहा है, खिला रहा है, सर्व कर रहा है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होना चाहिए, अनिवार्य है, सबको पता होना चाहिए। कल कोई खाने में जहर मिलाकर कुछ लोगों को मारकर भाग जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन नहीं है, उसका नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी अगर पुलिस वेरिफिकेशन करा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई आपको? प्रियंका जी।